सनग्लासेस एक ऐसी चीज जिसका बहुत सारे लोग यूज करते हैं अपनी आंखों को सन रेस से बचाने के लिए। बहुत सारे लोग इसको अपने फैशन के लिए भी यूज करते हैं, जिसका कोई सेंस नहीं बनता ऑफ कोर्स, पर जो लोग इसको अपनी आंखों को बचाने के लिए यूज करते हैं सन की लाइट से, वो अच्छा करते हैं। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो सन ग्लासेस होते हैं वो कैसे काम करते हैं, और जो सन की लाइट आती है उससे हमें हार्म क्या होता है। मतलब हम अपनी आंखों को बचाने के लिए सन ग्लासेस पहनते हैं, बट हम अपनी आंखों को क्यों बचाते हैं सन से, क्या होगा अगर हम सन ग्लासेस नहीं पहनेंगे, हमारी आंखों को क्या हार्म पहुंचेगा, हमारी आंखों के किस किस पार्ट को हार्म पहुंचेगा अगर हम सन की लाइट में डायरेक्ट एक्सपोज होते हैं, और कौन कौन से पार्ट डैमेज होंगे। और सन की जो लाइटें होती हैं वो डायरेक्ट सन लाइट नहीं होती, उसमें कई सारी लाइटें होती हैं, और हमारी आंखों को कई तरीके से बचाता है सनग्लासेस। सनग्लासेस भी कई तरीके के होते हैं जो हमारी आंखों को बचाते हैं सन लाइट से। तो आज की वीडियो में हम इसी सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो सनग्लासेस होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस जरूर पता चलेगी, और मालूम पड़ेगा कि हम सनग्लासेस क्यों पहनते हैं और जो सनग्लासेस होते हैं वो हमारी आंखों को कैसे बचाते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक मिनट बात करना चाहूंगा। कई दिनों से मेरे चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और वो प्रॉब्लम क्या है मुझे पता है, और मैं वो आपसे भी शेयर करना चाहूंगा। जब भी आप यूट्यूब खोलते हैं तो आपके होम पे अ ग्रुप ऑफ वीडियोज आती है जिसमें आप स्क्रोल करते हो, और 10 से 20 वीडियो जब आप स्क्रोल करते हो तो उनमें से कोई ना कोई वीडियो आप देखते हो। जब आप कोई वीडियो देखते हो, नेक्स्ट टाइम यू ओपन द यूट्यूब यू वॉच द सेम वीडियो एज यू वॉच्ड बिफोर। जैसे जो भी आप वीडियो आप पहले देखे थे वही वीडियो, मतलब उसी काइंड की वीडियो आएगी। तो हो क्या रहा है, मेरे चैनल पे बहुत टाइम से वीडियोस नहीं आ रहे हैं बिकॉज मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं 10th बोर्ड के। तो आप मेरे लिए 5 मिनट का टाइम निकाल के थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दिए, जिससे मेरी ये जो सालों की मेहनत है वो बर्बाद ना जाए और मेरी थोड़ी सी मदद हो सके। आपके सिर्फ 5 मिनट टाइम निकालने से मेरी सालों की मेहनत पे पानी नहीं फिरेगा। तो आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है। फर्स्ट ये कि अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, तो अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज एक बार मेक श्योर करिए उसको दबाने का, और अगर दबाया है तो अच्छी बात है। सेकंड थिंग, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अभी जितने भी आप लोग देख रहे हैं, 1 लोग 2 लोग 3 लोग 10 लोग, तो प्लीज नीचे कमेंट में कुछ भी लिख दीजिए, ABC, मतलब जैसी वीडियो पसंद आई तो लिख दीजिए, नहीं पसंद आए तो लिख दीजिए, कुछ भी, बट कमेंट कुछ भी कर दीजिए जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ 10 लोग 1 लोग 2 लोग मुझे देखने वाले हैं। थर्ड चीज, मुझे ऐसा लगता है, मुझे बिलीव है कि मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोज हैं, 30 से 40 वीडियोज हो गई हैं, वो आपने सारी वीडियोस नहीं देखी होंगी। तो प्लीज मेरे चैनल की कोई भी एक वीडियो आप देख लीजिए, जो भी आपको पसंद आए, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो। मैंने कुछ ऐसे भी वीडियोस बनाए हैं जिसमें बहुत लोगों को इंटरेस्ट आया है, अभी तक शायद ऐसी वीडियोस किसी ने भी नहीं बनाई हो। तो आप प्लीज उनमें से कोई एक वीडियो देख लीजिए, जिससे मेरे चैनल को बहुत हेल्प होगी। मैं बता देता हूँ, जब भी आप मेरे चैनल पे कॉमेंट करेंगे तो जो अ ग्रुप ऑफ वीडियोज आती है जब आप यूट्यूब ऐप खोलते हो, उसमें मेरी वीडियो आ सकती है दूसरे लोगों की। सेकेंड थिंग, अगर आप बेल आइकन दबाओगे तो आपको पता है जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको पता चल जाएगा। थर्ड थिंग, अगर आप मेरे चैनल की किसी भी वीडियोस देखते हो तो जो वो ग्रुप ऑफ वीडियोस आती हैं फर्स्ट में जब आप यूट्यूब खोलते हो होम पे, उसमें से मेरी वीडियो आएगी कोई ना कोई, या फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी जो मैं अपलोड करूंगा। तो प्लीज अगर आपके पास 5 मिनट टाइम है तो आप मेरी इतनी हेल्प कर दीजिए, और मैं आपको बहुत थैंकफुल रहूंगा अगर आप मेरी इतनी मदद कर सकते हैं छोटी सी, अपना 5 मिनट टाइम निकाल के। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। तो ये सारी चीजें हो गई, अब हम अपनी वीडियो पे वापस आते हैं और आज की जो वीडियो है उसके बारे में जानते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि हम अपनी आंखों को सन से क्यों बचाएं, मतलब हमें जरूरत क्या है। मतलब हम तो इंसान है द मोस्ट इंटेलिजेंट रेस ऑन अर्थ, तो हम अपनी आंखों को क्यों बचाएं सन से, पहले हम ये जान लेते हैं। तो सन से जो हमें डैमेज होता है वो उस बात पे डिपेंड करता है कि कितनी सन लाइट किसी भी एक इंडिविजुअल की आंखों में जाती है। अगर हम सन की तरफ मतलब बहुत देर तक ऐसे नेकेड आई से देखते रहेंगे बिना किसी ग्लास के, तो वो एक बहुत ही बेकार आइडिया होगा, जो कि आपके रेटिना में जहाँ पे इमेज बनती है वो आपको परमानेंट डैमेज कर सकता है। इसी से एक बात याद आई, अगर आपको आंखों के बारे में एकदम अच्छे से जानना है कि हमारी आंखें काम कैसे करती है, एवरीथिंग अबाउट आईज, तो आप आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, इससे आपको ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, मतलब आप अंधे हो जाएंगे। और सन से जो लाइट होती है वो 3 टाइप की लाइट निकलती है, और वो लाइटें अलग अलग काइंड का डैमेज करते हैं आपकी आंखों को। तो सन से जो लाइट निकलती है वो है विजिबल लाइट, सेकेंड इज इंफ्रारेड लाइट, एंड थर्ड इज यूवी रेज। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यूवी रेज की। तो जो यूवी रेज होती है वो सन की सबसे ज्यादा डैमेज करने वाली लाइट है हमारी आंखों को। अब इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जो लाइट होती है यूवी रेज, वो अगर आपकी आंखों में रिफ्लेक्ट होके भी आती है, चाहे सैंड हो, चाहे वाटर हो, या फिर स्नो हो, वो भी आपकी जो सेल्स होती हैं कॉर्निया के आसपास, कॉर्निया हमारी आंख का सबसे बाहर वाला पार्ट होता है जो
कवरिंग होती है उसको परमानेंट डैमेज कर सकता है। और उसके सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं, उसके सिम्टम को बोला जाता है फोटोकेराटिटिस, या फिर अगर मैंने गलती से इसको गलत प्रोनाउंस किया हो तो आई एम सो सॉरी। तो ये हमारे कॉर्निया को परमानेंट डैमेज करेगा। सेकेंड थिंग, इसके जो वो हैं सिम्टम्स हैं वो भी ऐसे हैं कि आपके आंसू निकलेंगे परमानेंट कुछ लॉन्ग टाइम के लिए, और आपकी आंखों में ऐसा फील होगा कि आपकी आंखों को लेके किसी ने जमीन पे रगड़ दिया हो बहुत तेजी से। पर ये जो आपकी आंखों को डैमेज होगा वो मैक्स टू मैक्स 36 आवर तक रहेगा, उसके बाद वो सही हो जाएगा। और ये सिम्टम अवॉइड किए जा सकते हैं, आपकी आंखों को बचाया जा सकता है यूवी रेस को प्रोटेक्ट करने वाले ग्लासेस से। सेकेंड थिंग, अगर आप सन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहेंगे अपनी आंखों से तो वो आपके रेटिना को भी डैमेज कर सकता है। रेटिना हमारी आंख के लास्ट कॉर्नर पे होता है जहाँ पे इमेज बनती है, जो कोई भी चीज हम देखते हैं वो वहाँ पे बनती है। और हमारी आंखों में एक सेल होती है जिसका नाम मैक्यूला होता है, जो रेटिना के अंदर होती है, छोटी छोटी, बहुत छोटी, तो वो भी ये हार्म कर सकता है और किसी भी पर्सन का सेंट्रल विजन खराब हो सकता है। अब बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, नहीं भी पता होगा, कि जब भी हम तेज लाइट के एक्सपोजर में आते हैं तो हमारी जो प्यूपिल होती है वो छोटी हो जाती है। आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे कि एक आई का डायरेक्ट शॉट आता है और वो आई छोटी हो जाती है, मतलब उसके अंदर का जो ब्लैक पार्ट होता है वो छोटा हो जाता है, उसी को हम प्यूपिल बोलते हैं। तो वो छोटा हो जाता है जिससे लाइट जो होती है वो ज्यादा नहीं जाती बिकॉज ऑफ ब्राइटनेस, क्योंकि जितनी भी ज्यादा ब्राइटनेस होगी उतनी हमको कम जरूरत पड़ेगी लाइट की, बट उसमें भी इतनी लाइट चली जाती है कि वो हमारी आंखों को डैमेज कर दे। अब ये जो डैमेज होगा वो आपकी आंखों को परमानेंट भी हो सकता है और आपको अंधा भी कर सकता है। अब इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लेते हैं, जब भी आप कोई भी फोटो खिंचवाते हैं स्टूडियो में तो एक फ्लैश जलता है लाइट का और उससे आपको मतलब कुछ दिखता नहीं है, राइट? ये ऐसा ही ब्लाइंडनेस होगा। ये टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये टेम्परेरी होता है, बट हु नोस किसकी किस्मत कैसी है। अब हम बात करते हैं सनग्लासेस की। अब जैसे कि हम जानते हैं सनग्लासेस ग्लास के बने होते हैं और ग्लास ट्रांसपेरेंट है, और ग्लास ट्रांसपेरेंट है इतना कि सनलाइट उससे आर पार चली जाए। तो जो सनग्लासेस होते हैं वो हमें कैसे बचाते हैं, अब हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर वन, जो अच्छी क्वालिटी के सनग्लासेस होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और वो मॉडिफाई कर देते हैं उस लाइट को जो आपकी आंखों तक आती है। अब यहाँ पे दो तरीके होते हैं हम कोई भी कलर देखते हैं। पहला तो डायरेक्ट हमारी जो लाइट होती है वो हमारी आंखों में जाती है सन से, लेकिन जो बहुत ज्यादा लाइट होती है जो हमारे सराउंडिंग में जो डिटेल्स होती हैं अलग अलग कलर की वो खराब कर देती है। इसीलिए जब बहुत तेज धूप होती है और आप अचानक से अपने रूम में जाते हैं तो आपको अंधेरा अंधेरा सा दिखता है, द रीजन इज दैट, ठीक है? और बहुत ही ज्यादा मतलब कठिन होता है इधर उधर आपके लिए फोकस करना, आंखों में जलन या दर्द टाइप का होने लगता है, सही है? जब भी आप धूप में हो और किसी और चीज को देखें तो जो सनग्लासेस होते हैं वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और आप इधर उधर अच्छे से फोकस कर पाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जो लाइट होती है सन से वो नहीं आती आपकी आंखों में। पोलराइज्ड फिल्टर्स, ये एक ऐसी चीज है जो मेनली बनाई जाती है ग्लासेस के लिए और इसको प्लास्टिक और ग्लास के सरफेस पे चढ़ाया जा सकता है। तो जब ये किसी भी लेंस पे अप्लाई कर देते हैं तो जो इसके मॉलिक्यूल होते हैं वो एक माइक्रोस्कोपिक फिल्टर तैयार कर देते हैं जो कोई भी लाइट मैच करते हैं उनके अलाइनमेंट से उनको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब फोटोक्रोमिक जो लेंसेस होते हैं उनमें करोड़ों मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस से बने होते हैं, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर हैलाइड, ऐसी चीजों से। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं विजिबल लाइट के जाने के लिए जब यूवी लाइट नहीं होती, और जब ये यूवी रेस से मतलब टकराते हैं उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं केमिकल मॉलिक्यूल्स वो एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू अपना शेप चेंज कर लेते हैं। तो जो ये नया मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना वो चेंज करने से शेप को वो जो यूवी रेज होती हैं उनको अब्सॉर्ब कर लेता है जिससे यूवी रेज आपकी आंखों तक नहीं पहुंचती हैं, और इनको हम जानते हैं पोलराइज्ड फिल्टर्स। तो यही मेन चीज होती है जो सन लाइट को हमारी आंखों तक नहीं पहुंचने देती, जो हमारे लिए हार्मफुल होती है, और मेन चीज होती है पोलराइज्ड फिल्टर्स और फोटोक्रोमिक लेंसेस जो ये काम करते हैं जिसकी वजह से यूवी रेज और सन लाइट आपकी आंखों तक नहीं पहुंचती। और कई सारी चीजें होती हैं जैसे कि पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड, डायमंड लाइक एक कार्बन होता है, एंटी रिफ्लेक्टिव, ये भी एक कॉमन सी चीज है, बट ये इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है या फिर इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, पर जो चीजें मैंने आपको बताई वो ज्यादा जरूरी है और मेन कॉन्सेप्ट है सनग्लासेस का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इससे कुछ नया जानने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आपको हमारी आंखों के बारे में सारी चीजें अच्छी से जाननी है और जानना है कि हमारी आंखें काम कैसे करती हैं तो प्लीज इस वीडियो को देखें। अगर आपको जानना है कि डार्क
फ्लूइड क्या है, एंटी मैटर और डार्क मैटर से जो रिलेटेड है, तो आप इस वीडियो को देखें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।